देख सकते हैं हमने अपनी एयरलाइंस खोल ली है और पायलट मैं खुद बना हुआ हूँ, और आप देख लीजिए हमारा प्लेन भी कितना खुला खुला है, और लोगों के फ्लाइट ना तो बंद बंद रहती है, हमने अपनी खुली फ्लाइट खोल ली है। एक्चुअली आपको तो पता है कि हम तो अपने बाथरूम का दरवाजा भी खोल कर बैठते हैं, ये तो सिर्फ जहाज है। एक्चुअली क्या है कि मेरी बुआ को किसी ने बताया कि सस्ते में टिकट बिक रही है, इसलिए उसने छाप छाप के बेचना चालू कर दिया। अरे जल्दी जल्दी में तो हम ये भी भूल गए कि पायलट बुक करना होता है, इसलिए पायलट मैं खुद बन गया हूँ। आइए। अरे दादी ये तो क्या कर रही है? अरे बिट्टू मैं जरा चेक कर रही हूँ हमारे जहाज में किसी ने बम तो नहीं रख दिया। अबे तुझे बम दिखे ना दिखे, तेरे बम सारे लोग देख रहे हैं, चल नीचे उतर बेवकूफ तई की। तुझे ये रोस्टेस बनाया है सिक्योरिटी वाला डोबरमैन कुत्ता नहीं जो सुन सुन के बम पता कर रही है। अरे तू क्या देख रहा है? अबे तू क्या देख रहा है? साहब जी मैं जहाज की किसकी से ये देख रहा हूँ कि धरती कैसी दिख रही है। अरे ये तो झल्ला है झल्ला, जहाज फिलहाल धरती पर है, जब उड़ेगा तब देखना। ठीक है। अरे बिट्टू एक बात बता मुझे, ये जो हमारी फ्लाइट है इज इट नेशनल और इंटरनेशनल? तो तेरे को उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बिट्टू, मैंने सुना है कि इंटरनेशनल फ्लाइट में दारू पीने को मिलती है। देखा अपनी चीजों की सब नॉलेज रखती है, दारू पैसेंजर के लिए होती है स्टाफ के लिए नहीं। व्हाटएवर आई एम सो एक्साइटेड, मैं पहली बार जहाज में उड़ने जा रही हूँ। दादी तू क्यों एक्साइटेड है? तू तो दो पैक पीने के बाद खुद जहाज बन जाती है। अबे रहने दे रहने दे, जिसका मुँह ऑटो रिक्शा के जैसा हो उसके मुँह से जहाज की बातें अच्छी नहीं लगती। अबे तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, अगर पैसेंजर के सामने से हरकत की तो दोनों की टक्कर मरवा दूंगा। चलो सब अपना अपना काम करो। सब जीव जब जहाज ऊपर उठकर छोटा हो जाएगा तो क्या हम भी छोटे छोटे बन जाएंगे? अरे ये तो कितना बड़ा झल्ला है, जहाज जब नीचे आएगा तो हम भी बड़े हो जाएंगे ना। ना कोई छोटा होगा ना बड़ा, छोटा बड़ा तब होगा जब जहाज ऊपर जाएगा, समझे? मतलब 1800 रुपए में इन लोगों को असली जहाज कहाँ से ला कर दूँ? देखो इन लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि ये जहाज नकली जहाज है। वो कैसे होगा? देखो हम तीनों तो एक्टिंग करेंगे, और मैंने बुआ जी को भी सिखा दिया है कि वो इस जहाज में ऐसे आकर बैठे कि पहले भी सफर कर चुकी हो, और आप सब तो जानते ही है कि अगर इंसान सच्चे दिल से कोशिश करे तो भगवान भी मदद करने को मजबूर हो जाता है। ठीक है ठीक है। अबे तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? साहब जी बात तो पते की थी पर हनी सिंह के मुंह से भजन की बात अच्छी नहीं लगती। अबे हनी सिंह के यो जैसा तो तेरा मुंह है, चलो बकवास बंद करो काम करो, और दादी जैसे जैसे मैं इशारा करता जाऊँ वैसे वैसे एक्टिंग करते जाना। ओके बिट्टू। चलो सब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यह जहाज नकली जहाज है। आधा पर से ना किसी को हंसाने ना किसी को रुलाने ना किसी को हंसाने ना किसी को रुलाने, हम आए हैं यहाँ खुद को दफनाने दफनाने
दफनाने। मियां हम पिछली फ्लाइट से दिल्ली जाने वाले थे, 10 लोग पिछली फ्लाइट में चढ़ गए, मैं अकेला ही बच गया। आपको पक्का यकीन है कि आपकी फ्लाइट छूट गई है? मुझे पक्का यकीन है मेरी फ्लाइट छूट गई है। आपको किस बात का शक है? नहीं, आप जैसे की शक्ल वाले से लगता है फ्लाइट से ही उतार देते होंगे। अमां बात शक्ल कहीं नहीं होती, तो हुनर की होती है, हुनर की। आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं लगता तो नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि सड़क के सिग्नल पे भीख मांगते देखा हो। मैं बेधड़क, मैं बेजुबा, मैं शानदार, मैं दबंग वन, मैं दबंग टू, मैं सिंघम थ्री, मैं हूँ मशहूर कवाल उत्तम कुमार दिल्ली वाले, और आज के बाद परसों दिल्ली में हमारा शो है। अच्छा भाई साहब, आप लोग आप एक बात बताइए, आप जब आप इतना बेसुरा गाते तो आपको ये शो किसने दे दिया? मैं यही पता करने दो दिन पहले जा रहा हूँ। अच्छा भाई साहब, आप लोग जब कवाली गाते हो तो अकेले क्यों नहीं गाते, छह छह लोग एक साथ ही क्यों गाते हो? अकेले गाने की हिम्मत नहीं होती। वैसे खाना साथ में खाते है तो मार अकेले क्यों खाए? अरे मार तो खाएंगे ना, जब एक लाइन दस दस बार बोलते एक बार नहीं बोल सकते क्या? क्या करे मियाँ, सात सात आठ आठ बार बोलने के बाद भी ये लोग ताली नहीं बजाते। अच्छा मियाँ वो सब ठीक है, आप जहाज की पीछे वाली सीट पर बैठ जाइए। मियाँ हम पीछे नहीं, हम आगे बैठेंगे, हमको जल्दी पहुँचना है। अबे इतनी जल्दी पहुँचना है तो जहाज की चोंच पर बिठा दूँ, उससे भी जल्दी पहुँच जाएंगे। एक्सक्यूज मी, क्या ये बुटन एयरलाइंस का ऑफिस है? हाँ जी, ऑफिस भी है ये, जहाज भी है ये, पायलट भी है ये, रनवे भी है। बोलो आप क्या लोगे? बस मैं फ्लाइट लूंगी। फ्लाइट कहाँ जाती है? फ्लाइट तो हवा में ही जाएगी, आप बोलो आपको कहाँ जाना है? वैसे मुझे बैंगलोर जाना है, परसों वहाँ पे मेरा पहला शो है, प्लीज मुझे जल्दी से पहुँचा दीजिए। वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरी भी पहली फ्लाइट ही है। क्या मतलब? मतलब इस प्लेन में मेरी पहली फ्लाइट है। ओ तो इसके पहले आप कोई दूसरा प्लेन चलाते थे? अरे नहीं, पहले तो मैं ऑटो रिक्शा चलाता था। क्या मतलब? हम लोग स्ट्रगल करने वाले लोग है, हम लोग वैसे लोग नहीं है जो चार किताबें अंग्रेजी की क्या पढ़ ली पायलट बन गए, हम लोग प्रैक्टिकल करते है। वो क्या है, पहले तो मैं रिक्शा चलाता था, फिर मैं ऑटो रिक्शा चलाता था, अब धीरे धीरे जहाज चलाता हूँ, और एक दिन भगवान ने चाहा तो देश भी चलाऊंगा। क्या ऊंची सोच है आपकी, इंशाल्लाह एक दिन जरूर आप देश चलाएंगे। वो क्या है कि अगर 2 मिनट के लिए लाइट चले गई ना तो 10 का फटा हुआ नोट भी चला के दिखाऊंगा। अगर मियाँ आपका ये चल जाए तो जरा जहाज चला लेना, हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। अबे ये गेस्ट के साथ जान पहचान करना हमारा उसूल है, आप अपना जूते जैसा मुंह बंद रखिए। भाई देवे आप काम क्या करती है? मिस रोशनी चोपड़ा, आई एम ए मॉडल। वाह अगेन व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम भी अपने एयरलाइंस के लिए मॉडल ही ढूंढ रहे थे। आपका क्या ख्याल है, आप हमारे एयरलाइंस के लिए ऐड करना पसंद करेंगी? आई डोंट नो, मैंने आपके एयरलाइंस का नाम पहले कभी नहीं सुना। वैसे नाम तो हमने भी आपका नहीं सुना, वैसे अच्छी तो लग रही है। ओके ये सब बात हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, पहले मैं जल्दी से बैंगलोर पहुंचा। ओके मैडम आइए बैठिए। अरे ये फ्लाइट तो दिल्ली जा रही है। अबे इन्हें हम बैंगलोर उतार कर दिल्ली चले जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कमाल करते, दिल्ली इधर हो बैंगलोर उधर है। अबे दिल्ली उधर तो उधर बैठ जाना, बैंगलोर वाले इधर बैठ जाएंगे। आइए मैडम प्लीज। हाँ। बैठिए। थैंक यू। आप ना मेरे थोड़ा नजदीक रहना ताकि मेरी नजर आप पर पड़ती रहे। एक्सक्यूज मी, आप मुझे देख के प्लेन चलाएगी या आगे देख के प्लेन चलाएगी? अरे भाई आगे क्या देखना है, वही बोरिंग सामान है, बोरिंग बादल है, रोमांटिक ऑडियंस है। ओके ठीक है। हेलो मिस्टर पायलट, हाउ आर यू? आई एम वेरी मच फाइन मिस जवेरी ओब्रो सिंघानिया। जी मैं अच्छी, आपका थैंक यू कहने के लिए आई हूँ। अरे थैंक यू किस बात के लिए? ओहो कितने मॉडस्ट है आप, पता है पैसेंजर्स पिछली बार मेरा डायमंड का नेकलेस यहाँ खो गया था, तब ये लोग मेरे घर तक उसे छोड़ने के लिए आए। थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली नेकलेस कमिंग बैक फ्रॉम माय होम। वाओ एक्सक्यूज मी, इसका मतलब? प्लीज बात करने दीजिए मिस्टर पायलट, मेरे हस्बैंड को फ्लाइट इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि 100-150 टिकट बुक कर लीजिए। ओके ठीक है, आप ना अपना घर का एड्रेस बता दीजिए, हम आपको आपके घर से ही ले जाया करेंगे। यस एक्सक्यूज मी, यस इसका मतलब आप इस प्लेन में पहले भी उड़ चुके हैं? हाँ मैं उड़ चुकी हूँ, लो जी मैं ऑफिस में 8-9 क्यों 2-3 बार वापस भी आ जाती हूँ। वाओ ओह ये इतने अच्छे पायलट है, इतने अच्छे पायलट, मैं आपको क्या बताऊं। लो जी गियर तो ऐसे बदलते कि पता ही नहीं चलता, ब्रेक तो इतनी स्मूथली मारते कि बादलों को डिस्टर्ब ना हो। ओ माय गॉड की कसम, फ्लाइट चलाते चलाते रास्ते से सवारियां उठा लेते हैं। एक्सक्यूज मी रास्ते से सवारियां? Yes. वो क्या है कि अगर रास्ते में सवारियां सो गई हो तो उनको हिला हिला के उठा लेते हैं। बुआ जी आप ज्यादा तारीफ मत करिए, आप मरवाएगी। आइए मैडम प्लीज बैठिए, फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार है।
टोंग टिंग टोंग बुटन एयरलाइंस में आप सबका स्वागत है। सभी पैसेंजर्स को एयर होस्टेस डॉली का नमस्कार। नमस्कार। कृपया फ्लाइट तैयार है, सभी पैसेंजर्स सेटल हो जाइए, कहीं आप गिर ना जाए। ओ आंटी जी, हम तो अपने आप को संभाल लेंगे, पर मुझे आपकी फिक्र हो रही है। इस उम्र में आप काम करती है, इस उम्र में तो आपको पोतो पोतियों के साथ खेलना चाहिए। पोते पोतिया जले पे नमक छिड़क रही है, चुड़ैल छिपकली खाने की। ओ माय गॉड आंटी जी, आप इतना भड़क क्यों रही है? अक्सर बुढ़ापे में गुस्सा जल्दी आ जाता है, खबरदार किसी ने उसको बुढ़ी कहा है तो। आई मीन टू से ये एयर होस्टेस है जिससे देखकर मुझे माँ का प्यार याद आ जाता है। मम्मी जी हुई आप एक काम कर लीजिए, सरकारी एयरलाइंस में नौकरी कर लीजिए, माँ के साथ साथ चाची ताई बुआ सबका प्यार मिल जाएगा, आपका ये मिलना जुलना बंद हो गया, जहाँ जुड़े और हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। ठीक है, आप बैठिए। शांत रहिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे विमान है या लोकसभा, ऐसे भी कोई जहाज उड़ा दे। देखिए जैसे मैं आपको बिठा रही हूँ वैसे बैठ जाइए, वरना बुरे से बुरे तरीके आते हैं मुझे बिठाने के। चल बैठ। दादी धीरे, क्या है? कृपया ध्यान दीजिए, फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार है, हम आपको सुरक्षा निर्देश देंगे। इस जहाज में कुल एक द्वार है। एक द्वार? अगर इमरजेंसी में वो भी ना खुला तो? अबे तो हरिद्वार, वैसे भी तेरा कौन सा अच्छा काम चल रहा है, कवाली है तू कवाली। कृपया ध्यान दीजिए, टेक ऑफ के वक्त खिड़कियां बंद रखे। बंद रखे? या पर दूसरे जहाज में तो कहा जाता है खिड़कियां खुली रखे। ओ नो, पिछली बार जब मैंने खिड़की खुली रखी थी तो उसमें चील घुस गई। चील? अरे आप डरिए मत, डरिए मत, अभी तो क्या है रोज का आना जाना हो गया ना, तो चील भी ना हमारी फ्रेंड हो गई है, बहुत गहरी फ्रेंडशिप हो गई है। अब तो चील के बच्चे मुझे देखकर कहते हैं मामा मामा, मतलब फैमिली रिलेशनशिप। अब चील मुझे कहती है कि आप भैया ना 20 किलोमीटर दूर हो ना तो मुझे एक फोन बचा दीजिएगा, हम आपके लिए गर्मा गर्म इडलिया बना के रखेंगे। वो क्या है, इंसानों की बस्ती बढ़ती जा रही है और पशु पक्षियों का प्यार बढ़ता जा रहा है। यस, अगर आपकी गरम गरम इडलिया ठंडी हो गई हो तो टेक ऑफ ले। ऐसे कैसे टेक ऑफ ले, चाबी कहाँ है प्लेन की? प्लेन की चाबी कहाँ होती है? गुड क्वेश्चन, प्लेन की चाबी कहाँ होती है? यहाँ होती है, वैसे लगती कहीं भी नहीं, इसको क्या दिखाना पड़ता है, भरोसा रहता है, अपना आदमी चला रहा है। ओके सब बैठ गए हैं, एक जरूरी सूचना, दिल्ली तक की दूरी हम आधे घंटे में पूरी करेंगे। एक मिनट एक मिनट, हमने तो सुना है दिल्ली तक पहुंचने के लिए 2 घंटे लगे। अबे एक घंटे का तो तेरा शो है, अगर 2 घंटे की फ्लाइट में बैठेगा तो अपना शो कब करेगा, कहां से उठा ला तो ये नए नए लोग। ओके जहाज स्टार्ट कर रहा हूं। वाव वाव वाव, कितना स्मूथली चल रहा है, पेट का पानी भी नहीं हिल रहा है। एक मिनट पेट का पानी छोड़िए, इधर बाहर देखिए कुछ भी नहीं हिल रहा। अरे नहीं है, बात हुई थी हमारी, हिलेगा पेड़, पेड़ हिलेगा, हमारी बात हुई थी। पेड़? अरे ये पेड़ तो पीछे की वजह आगे जा रहा है, हमारा जहाज पीछे जा रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, मेरी तरफ सही जा रहा है। अबे तेरे को क्या खबर है, ट्रेन में सफर करने वाला आदमी, अगर ट्रेन में अपनी खिड़की में से दूसरी खिड़की में देखते तो कहते ट्रेन चल पड़ी। अबे क्या ट्रेन चल पड़ी, गरीब आदमी चुप रहे, देख भाई उधर सही जा रहा है, पीछे ही तो जा रहा है, उधर सही हाँ, जा रहा है, सही तो जा रहा है, पीछे ही जा रहा है उधर। अरे नहीं नहीं, आप ऐसे मुझे डराए मत, मैं जब प्लेन में बैठता हूँ तो मुझे डर लगता है। अरे भाई आप क्यों डर रही है, आप डरिए मत, मैं आपके पास बैठ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप प्लेन को अकेला क्यों छोड़ते हैं? प्लेन को कौन सा डर रहता है, बहुत बड़ा 21 साल का हो गया। समोसा वड़ा पाव, समोसा वड़ा पाव, समोसा वड़ा पाव। अबे चलते जहाज में, समोसा बेचने वाला किधर से चढ़ गया? अभी ये जहाज रनवे पे है, तुम बताओ तुम क्या लोगे? एक्सक्यूज मी, आपके पास कुछ नॉनवेज है? मैडम ये फैमिली शो है, आप समोसा लोगे? नहीं, समोसे खाने से गैस हो जाती है। अरे नहीं, आपका मुंह खट्टे डकार के जैसा है, आपको गैस तो नहीं, अभी टेंशन न ले, चूरन बेचने वाला भी आएगा। ओ माई गॉड, इसका मतलब चूरन बेचने वाले के लिए वेट करना पड़ेगा। ये फ्लाइट कब टेक ऑफ लेगी?
अरे वो क्या है कि ये प्लेन ना बहुत बड़ा है, इसलिए इसके टेक ऑफ के लिए बहुत बड़ा रनवे चाहिए। इसलिए हम नासिक तक बाय रोड जाएंगे और शिरडी से माथा टेक कर टेक ऑफ लेंगे। एक मिनट, वो जो लड़की आती है उसको बुलाने की जो घंटी होती है वो घंटी किधर है? अरे कहां से आ जाते हैं ऐसे भूखे नंगे लोग, ये ले घंटी, बुला अपनी माँ को। एयर होस्टेस घंटी बज रही है। घंटी बजा रहा हूँ। एयर होस्टेस, अरे आपके जहाज में तो घंटी भी नकली रखी हुई है। देखो वो क्या है कि वो घंटी का तार नहीं है, मैं अभी लेकर आता हूँ, आप थोड़ा जहाज चलाइए ना। बैठिए। आजा। अभी वो क्या है कि वो इनका कान का ऑपरेशन हुआ है इसलिए घंटी सुनाई नहीं देती। क्या है बे, घंटी क्या मेरे हाथ में बजाना शुरू कर दिया? ये एयर होस्टेस को बुलाने की घंटी है, वीडियो गेम की घंटी नहीं, समझे भाजियो? वो थोड़ा पानी मिलेगा। क्यों, तुम्हारा बाप यहाँ पे कुआं खोद गया है क्या? मिया ये क्या बोल रही है? अरे इनके कहने का मतलब है कि आपके फादर साहब ने क्या यहाँ पर वेल खुदवा के रखा था? ऐसे भी को बात करता करता रही है ये। हैं, खबरदार जो अब घंटी बजाइए, एक कान के नीचे दूंगी, चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, ये समोसा कितने का मिलता है? 690 रुपए। 690 रुपए, क्या इतना ज्यादा? इससे तो सस्ते में मैंने टिकट खरीदी है। तो फिर टिकट पर चढ़ने लगा क्या? खा जाइए। नो थैंक्स, मैं सीधा खाना ही खाऊंगी। ऐसी बात, सब्जी बात नाश्ते की हुई थी, खाने की नहीं। ओहो, कितना हंसाते है, कितना मजाक क्या है, बात नाश्ते की हुई थी खाने की नहीं। हंसा हंसा के मेरे को मरवाएगा क्या? अब तो जल्दी से अंदर जब ना मेरा पेट दुख जाएगा। ओहो, एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ गड़बड़ नहीं है, पर हम तो जमीन पर ही है। टिंग टोंग, बधाई हो बधाई, जहाज लैंड हो चुका है। पर मुझे तो लगा हमने टेक ऑफ ही नहीं लिया। मैंने कहा था कि लैंडिंग इतनी स्मूथली होगी। सुनिए पायलट जी, 250 टिकट और बुक कर लीजिए। ठीक है। हाउ नाइस, बाय द वे टेंपरेचर कितना है? 98 डिग्री, इतना ज्यादा? अरे नहीं, 99 डिग्री से तो बुखार शुरू होता है, 98 डिग्री नॉर्मल है। मैंने सिटी टेंपरेचर के लिए पूछा था, बॉडी टेंपरेचर के लिए नहीं। जब आपकी बॉडी सिटी में एंटर करेगी तो टेंपरेचर भी तो बढ़ जाएगा ना। हाउ नाइस, सो स्वीट। वो क्या है कि लड़कियों की थोड़ी तारीफ कर लो तो अगले 40 सवाल कैंसिल कर देती है। अब ये दिल्ली वाले उधर से जाएंगे। ओके मैडम, बाय, आते रहना मैडम, बाय। तो बड़ी कमाई होगी। अबे तेरी ओवरएक्टिंग के चक्कर में मैं आज मरने वाला था। अरे बिट्टू, भाग भाग के मेरा गला सूख रहा है, मेरे पैसे दे पहले। अरे अरे भाई नहीं साहब जी, पहले मेरे पैसे दो। सुबह से समोसे बना बना के मेरा मुंह समोसे जैसा हो गया है, बीका एक भी नहीं। अबे अच्छा हुआ ना तेरा मुंह समोसे जैसा हो गया है, पहले ही तरबूज जैसा था। ओ नहीं नहीं, मैंने कितनी टिकट बिकवाई, पहले मेरे पैसे दे। अबे काम खत्म नहीं हुआ, पैसे मांगने आ जाते हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, जिस ऑटो वाले ने मुझे सुबह बाहर जब किया था वही ऑटो वाला भी बाहर क्यों खड़ा है? अरे भाई वो ऐसी बात नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैंने बाहर जाकर ऑटो वाले से पूछा, लाल किले छोड़ दे, ऑटो वाले का पागल खाने ना छोड़ दे, आदमी आपके जहाज में बैठकर पागल हो जाते हैं। पागल हो नहीं जाता, ये लोग यहाँ पागल बना रहे हैं। हम लोग कहीं नहीं गए, हम लोग मुंबई में ही है। अरे नहीं नहीं, हम लोग दिल्ली में है। नॉनसेंस, मैं दिल्ली 20 बार जा चुकी हूँ, दिस इज नॉट दिल्ली एट ऑल। आप दिल्ली 20 बार जा चुकी है? हाँ। तो आपको दिल्ली का सब पता है? सब। तो आप हमारे इस शो में 50 बार आ चुकी है। हाँ। तो आपको एक बात नहीं पता क्या? कि हम लोग जब चीटिंग करते हैं तो हम लोग भागते हैं। क्या मतलब? आप साइड में रहिए दादी, तू टाइम लेगी, तू निकल, बुआ नंबर 2, अबे जल्दी भागना, नंबर 3। Thank you. મિત્રો, આપણે બધા આ લોકોને જેટલા અભિનંદન આપીએ એટલા ઓછા છે. હું રિક્વેસ્ટ કરું છું ઓડિયન્સને કે ઊભા થઈ અને તાલીઓ બજાવે અને આ લોકોને ચીયર અપ કરે. હવે હેલો મિત્રો, આ છેલ્લા એક મહિનાથી
આની ટ્રેનિંગ ચાલી રહી હતી. છેલ્લા એક મહિનાથી રોજ કલાકથી બે કલાક સુધી રશ્મિબેન પોતાનો સમય આપી અને દરેક આ બાળકોને ટ્રેનિંગ આપી રહ્યા હતા. ઓરિજિનલ કોમેડી નાઇટ્સ વિથ કપિલની ક્લિપમાંથી એક એક સેન્ટેન્સને અમે રાઇટિંગમાં લખ્યું, પછી એ રાઇટિંગ દરેક પાત્રને અમે સમજાવ્યું અને પછી એને આખું મોઢે કરાવ્યું. મેઇન પ્રોબ્લેમ અમને હિન્દી લેંગ્વેજનો હતો. દરેક બાળકોએ ખરેખર ખૂબ મહેનત કરી છે. આપણા બધા વતી, મારા વતી, પ્લીઝ એમને તાળીઓથી વધાવી લઈએ પ્લીઝ. ઘણા બધા લોકોની મહેનતથી આ સેટ આખો ઊભો કરવામાં આવ્યો છે. થોડુંક ડિફરન્સ કરવા માટે અમે ઘણું બધું કરી મહેનત કરી છે. તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. જેટલા અભિનંદન આપીએ એટલા ઓછા છે. રશ્મિબેન, શ્યામ, કાવ્યા, જેનિલ, ઉર્વી, હિતાર્થ અને કમલ, થેન્ક યુ.